जम्मू कश्मीर में हमले की घटनाओं का विश्व हिंदू परिषद ने निषेध किया है। विहिप कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बड़कर चौक में विरोध प्रदर्शन कर आतंकवादियों का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देने के लिए सुरक्षा की ठोस उपाय योजना की मांग की है। विहिप के विदर्भ विभाग प्रमुख गोविंद शिंदे ने कहा कि 29 जून से अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस उपाय योजना करना होगा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में 60% मतदान हुआ है। पहले 5 से 10% मतदान हो पाता था। अधिक मतदान होने से पाकिस्तान और उसके समर्थक परेशान हैं। उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में उनका भय पहले समान नहीं रह पाएगा, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। शेंडे ने कहा है कि ठोस सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को निवेदन सौंपा जाएगा। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कश्मीर मध्ये आता 3 हमले झाले, त्यातला एक हमला हिंदूंवरती जे तीर्थयात्री तिथे जाणार होते त्यांच्यावरती झाला। त्या बसमध्ये 10 लोक मरण पावले, ड्रायव्हरला पण मारलं, त्याच्यामुळे ती गाडी खाईमध्ये पडली। अशा हमला करण्याच्या मागचा जो उद्देश आहे तो फक्त इतका आहे, फ्रस्ट्रेशन आहे की आता जे कश्मीरमध्ये इलेक्शन झालं त्याच्यामध्ये जवळपास 60% मतदान झालं असं याच्या आधी कधीच झालेलं नाही। दहशतमध्ये मतदान होत होतं 5 ते 10%। धारा 370 हटल्यामुळे तिथल्या लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आणि त्यांनी जवळपास 60% मतदान केलं, त्याचं हे फ्रस्ट्रेशन आहे की आमची भीती संपली, आमचा दहशत संपला। तो पुन्हा निर्माण करण्याचा एक असफल प्रयास आहे, प्रयत्न आहे, तो कधी आम्ही सफल होऊ देणार नाही। म्हणून आम्ही केंद्र सरकारला पण, गृहमंत्रालयापर आणि तिथल्या राज्यपालांना पण निवेदन केलं आहे की आता 29 तारखेपासून जे अमरनाथची यात्रा प्रारंभ होणार आहे, बुढा अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होणार आहे, त्याच्यामुळे लाखोंच्या संख्येमध्ये भाविक जातील, त्यांची सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करावी। तरी नाही झाली तर त्याचे जे परिणाम आहे पूर्ण देशामध्ये पाहायला मिळतील। बड़कर चौक में विहिप के प्रदर्शन के समय अचानक हलचल मच गई। प्रतीकात्मक पुतला फूंक रहे 3 कार्यकर्ता आंशिक रूप से झुलस गए। एक कार्यकर्ता को जलता हुआ कपड़ा उतारकर फेंकना पड़ा, अन्य सहयोगियों ने बचाव किया। विहिप पदाधिकारी के अनुसार सभी कार्यकर्ता सकुशल व स्वस्थ है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।